दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार प्रोग्राम में आइए आज बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा और सुरीली गायिका सुरैया के बारे में। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। सुरैया का गाया ये गीत अभी आपने सुना। अपने 22 साल के करियर में सुरैया ने जितने भी गाने गाए उनमें से अधिकतर गाने बेहद मकबूल हुए और आज भी उन सभी गीतों में वही ताजगी और वही मिठास है जो उन दिनों में थी। सुरैया की आवाज, उनकी गायकी के दीवाने आज भी उनके गाए गीतों को बार बार सुनना चाहते हैं। मन धीरे धीरे गाए रे, मन धीरे धीरे गाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, बिन गाए रहा न जाए रे, बिन गाए रहा न जाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। एक बात जबां पर आए रे, एक बात जबां पर आए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, कहते हुए दिल शर्माए रे, कहते हुए दिल शर्माए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मन धीरे धीरे गाए रे। सुरैया का जन्म हुआ 15 जून 1929 को अंग्रेजी हुकूमत के गुजरांवाला पंजाब में। यहाँ उनके पिता की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान हुआ करती थी। सुरैया का पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। सुरैया की माँ का मायका था मुंबई में। यहाँ गुजरांवाला से सुरैया के पिता लाहौर शिफ्ट हो गए। तब सुरैया की नानी के अनुरोध पर सुरैया मुंबई आ गईं। आज की मुंबई जो उस समय बंबई कही जाती थी। उस समय सुरैया के एक मामा जहूर अहमद साहब फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाया करते थे। उन्हीं के पास सुरैया रहने लगी। अब लिहाजा मुंबई में ही, यानी बंबई में ही जेपी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स फोर्ट में सुरैया का करा दिया गया। सुरैया ने यूं तो गाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उनका गला बेहद सुरीला था और वो उस समय बॉम्बे रेडियो स्टेशन से बच्चों के प्रोग्रामों में भाग भी लिया करती थी, गाने भी गाया करती थी। सुरैया के मामा जहूर अहमद फिल्मों से जुड़े थे, इसलिए सुरैया का भी लगाव फिल्मों से था और यही वजह थी कि सन 1937 में फिल्म उसने क्या सोचा, इसमें सुरैया को एक बाल भूमिका मिली। हालांकि कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन 1941 में जब एक बार सुरैया अपने मामा जहूर अहमद साहब के साथ मोहन स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने गई, ये बात मैं कर रहा हूँ 1941 की, उस समय वहां पर ताजमहल फिल्म की शूटिंग चल रही थी और डायरेक्टर थे नानू भाई वकील। उन्होंने सुरैया को देखा, उनसे बातचीत की और ऐसे प्रभावित हुए कि तुरंत फिल्म ताजमहल में मुमताज महल के बचपन का रोल दे दिया। ये एक बड़ा रोल था और फिर यहीं से शुरू हो गया सुरैया का एक्टिंग करियर। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई, मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन
चैन मिलाई उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई मैं दिल में दर्द बसा लाई नैनों से नैन मिलाई। अब बात करते हैं सुरैया के सिंगिंग करियर की। बात उन दिनों की है जबकि सुरैया की उम्र 13 वर्ष की थी, जबकि सुरैया बॉम्बे रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रमों में गाने गाया करती थी। उस समय एक दिन सुरैया का गाना विख्यात संगीतकार नौशाद ने सुना। बस फिर क्या था साहब, उसी समय उन्होंने सुरैया से संपर्क किया और फिल्म शारदा, जो कि A.R. कारदार की फिल्म थी, उसमें उन्होंने सुरैया को गाने का मौका दे दिया। ये बात है सन 1942 की। अब इसके बाद सुरैया को तो जैसे नौशाद का आशीर्वाद मिल गया। नौशाद की लगभग हर फिल्म में सुरैया ने गाने गाए और सभी गाने बेहद मकबूल हुए, फिल्में भी हिट रही। 1946 में अनमोल घड़ी, मन लेता है गड़ाई जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है गड़ाई मन लेता है गड़ाई जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है गड़ाई। होठों ने मुस्काना सीखा, नैनों ने शर्माना, हाँ नैनों ने शर्माना। होठों ने मुस्काना सीखा, नैनों ने शर्माना, हाँ नैनों ने शर्माना। हर धड़कन गाती है मन की एक अनोखा गाना, हर धड़कन गाती है मन की एक अनोखा गाना। फिर याद किसी की आई जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है अंगड़ाई। 1947 में दर्द, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। 1949 में दिल लगी, मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन हो। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। और 1950 में दास्तान, ये मौसम और ये तन्हाई, मौसम और ये
तन्हाई, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ, जरा दम भर को आ जाओ, ये मौसम और ये तन्हाई। यही मौका है मिलने का, यही मौका है मिलने का, यही मौका है मिलने का, लगी दिल की बुझा जाओ, लगी दिल की बुझा जाओ, यही मौका है मिलने का। ये तो थी कुछ उल्लेखनीय फिल्में जिनमें सुरैया ने नौशाद के संगीत निर्देशन में गाने गाए। वैसे नौशाद ने लगभग 51 गाने सुरैया से गवाए। उसके बाद नंबर आता है संगीतकार हुसन लाल भगत राम का, जिनके साथ सुरैया ने अन्य संगीतकारों से ज्यादा गाने गाए। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। आइए सुरैया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। जिस दौर में सुरैया फिल्मों में अभिनय कर रही थीं, उसी समय कामिनी कौशल और नरगिस ये भी अभिनय कर रही थीं और इनके अभिनय का बोलबाला था, इनकी फिल्में भी हिट हुआ करती थीं। लेकिन सुरैया के हक में एक बात ज्यादा थी, एक खास बात थी कि सुरैया अपने गाने खुद गाती थी और इसका उन्हें एक्टिंग करियर में एक्स्ट्रा माइलेज भी मिलता था। अब मैं यहाँ पे सुरैया की तीन फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ। पहले गीत सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। 1948 में प्यार की जीत, ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना, रातें हुई अंधेरी, रातें हुई अंधेरी, तुम चांद बन के आना, तुम चांद बन के आना, ओ दूर जाने वाले। 1949 में दिल लगी, लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर, हाय किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। जाने क्या घात हुई, जाने क्या घात हुई, बातों ही बातों में जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई, बातों ही बातों में जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई, दिल से जो दिल कहे मुझे मंजूर, हाय दिल से जो दिल कहे क्या मोहब्बत है यही दस्तूर, हाय
मजबूर है लेके दिल चुपके से, किया मजबूर है लेके दिल चुपके से। और 1949 में ही बड़ी बहन। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कही नहीं जाती, कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। सुरैया की ये तीनों फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन इसके बाद लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। और उसके बाद 1954 में सुरैया ने कमबैक किया वारिस और मिर्जा गालिब से। '63 में सुरैया की फिल्म आई रुस्तम सोहराब। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई। सुरैया के जिक्र के साथ अभिनेता देव आनंद का जिक्र न किया जाए तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ऑन स्क्रीन की ये जोड़ी जिंदगी में भी हम सफर बनने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन सुरैया के मामा को ये बात पसंद नहीं थी, लिहाजा दोनों की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके। अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उन फिल्मों का जिनमें सुरैया और देव आनंद ने एक साथ अभिनय किया। 1948 में विद्या, 1949 में जीत। मन की पीड़ा क्या समझो, तुम प्रीत निभाना क्या जानो, तुम आग लगाना सीखे हो, तुम आग बुझाना क्या जानो।
1949 में ही शायर, 1950 में अफसर, में ही नीली और 1951 में दो सितारे और सनम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। अभी अभी आंखों ने क्या किया रे, अभी अभी आंखों ने क्या किया रे, आंखों ने आंखों को चूम लिया रे, आंखों ने आंखों को चूम लिया रे, फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम, फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम, ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस में सफल रहीं। सुरैया ने अपने अभिनय और अपनी गायकी से फिल्म इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया, और यही वजह थी कि नूरजहां से पहले मेलेडी क्वीन यानी मलिकाए तरन्नुम का जो पहला खिताब मिला वो मिला सुरैया को। सुरैया के गाए गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। सुरैया ने अपने जीवन के आखिरी दिन बंबई के मरीन ड्राइव स्थित कृष्णा महल के अपने अपार्टमेंट में गुजारे। 2004 तक वो वहीं रही और 74 वर्ष की उम्र में सुरैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना, रातें हुई अंधेरी, रातें हुई अंधेरी, चांद बन के आना, तुम चांद बन के आना, वो दूर जाने वाले। आ
करते जुदा जमाना ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना ओ दूर जाने वाले। अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार।